अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं थोड़ा लेट हो गई, एक्चुअली थोड़ा मैं बिज़ी थी, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत पसंद भी करेंगे। कि देखें, चना चाट, लेफ्ट ओवर चना चाट। आपके पास जब चने बच जाते हैं तो उनका यूज़ नहीं होता, तो ये देखिए मैं उसी की रीयूज़ करूँगी। ये देखिए मेरे पास 1 कप पहले के चने बचे हुए थे लेफ्ट ओवर। इसके लिए मैंने 1 पोटैटो बॉयल किया है और उसे क्यूब में काट लिया है, और मिंट और धनिया दोनों काट लिया है। ये स्लाइस अनियन है और ये टोमेटो है और थोड़ा कुकुम्बर है। ये देखिए कुकुम्बर है और ये टोमेटो है, ठीक है। मसाले में सिर्फ चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा बस। और ये देखिए इमली की चटनी भी चाहिए हमें इसके लिए। और आइए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, ये मेरे पुराने लेफ्ट ओवर चने थे जो मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, जो बच गए थे, उसका यूज़ नहीं होता, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ लेफ्ट ओवर रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें, अब ये मैंने बड़े बाउल में चने डाल दिए हैं। अब आप इसके साथ बॉइल्ड पोटैटो ऐड करें और एक एक करके ये सारा कुछ इसमें ऐड करना है। बहुत ईजी सी रेसिपी है, आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बन जाएगी और आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ये देखें, आप इसमें आलू डाल दें। अच्छा, आप जो टोमेटो और कुकुम्बर को काटिएगा उसको भी बारीक ही काटिएगा, क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब में काटिएगा, तो आपके चना चाट बहुत खूबसूरत भी लगेगा और बहुत डिलीशियस भी होगा। ये देखें, अब इस तरह मैंने इस बाउल में आलू डाल दिया है। और ये देखें, उसके बाद फिर इसमें जाएगा टोमेटो। ये देखें, अब इसमें चला जाएगा टोमेटो। इस तरह आप एक एक करके सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर दें, इस तरह। अच्छा, बहुत इजी सा है, बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब रमज़ान में तो सभी लोगों के यहाँ लेफ्ट ओवर ज़रूर बचता है, तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होना ही चाहिए। ये देखें, अब सारा इसमें मिंट चला गया और अब इसमें अनियन चली गई। अच्छा, इसमें अनियन आप बिल्कुल भी मत बचाइएगा गार्निशिंग के लिए, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद, इसमें सारी अनियन दिखती है। ये देखें, ये सारा कुछ इसमें चला गया। अब मैंने सिर्फ 1 ग्रीन चिली लिया है। और आप इसमें चने में भी, इसमें आपने जब बनाया होगा तो इसमें थोड़े नमक तो रहते ही हैं, साल्ट, तो आप उसके हिसाब से ही उसे ऐड कीजिएगा। ये देखें, अब इसमें मैंने पूरी 1 ग्रीन चिली काट दिया है। और अगर आपको साल्ट कम लगे तो आप ऐड कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है इतना। अब इसमें ये मसाला जो मैंने भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला लिया था वो मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया, और इमली की चटनी। ये देखें, अब इमली की चटनी डाल दें, ये इस तरह से। अब इसे अच्छा सा मिक्स करें। इसकी मिक्सिंग ही आप अच्छी कीजिएगा ताकि इसमें सारा चना और पोटैटो और बाकी चीज़ें अच्छी कोटिंग हो जाए। आप अच्छा सा मिक्स करेंगे तो ये अच्छा, जब मिक्स होगा तो ये पूरे जितने हैं इमली की चटनी, बाकी सारे जो मसाले हमने चाट मसाला और ये डाला है, तो वो जो है अच्छा सा कोट कर लेगा पूरा आपका चाट। ये देखें, इस तरह से ये बन जाएगा, बहुत जल्दी बनता है, बहुत क्विक और बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया। वैसे तो अभी मैं नई हूँ चैनल पे, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर बताया करें और मुझे अपनी रेसिपीज़ भी मुझे बताया करें। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी बस ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अच्छी लगेगी आपको। ये देखिए, ये इस तरह बन गया है। अब हम इसे जो है अच्छा सा मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। अब ये देखें, हम डिश आउट कर लें, ये देखें, आप डिश आउट कर लें, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा। और जितना अच्छा आपको लग रहा ना, इतना ही टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टफुल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ज़्यादातर तो रेसिपीज़ हम लोग इस तरह ही ट्राई करते हैं कि बच्चे भी खा लें, और ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा स्पाइसेस आप नहीं ऐड कीजिएगा, बस यही चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा ही ऐड कीजिएगा। ज़्यादा स्पाइसेस है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये देखें कितना डिलीशियस लग रहा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मैंने ये लेफ़्ट ओवर से बनाया है। अब आपके साथ एक रेसिपी और भी शेयर करूँगी लेफ़्ट ओवर की, ब्रेड स्लाइडर। ये भी बहुत इजी सी रेसिपी है और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा चना चाट। ये मैं आगे से भी आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना यमी लग रहा, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब मैं जल्दी जल्दी और भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी रेसिपी जो है मैं और भी बताऊँगी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा, आप लोग देख रहे होंगे पैन में मैं क्रीप फ्राई कर रही थी। ये देखें ये मैंने आज बनाया था लेफ़्ट ओवर से ब्रेड स्लाइडर। इसके लिए सामने देख रहे हैं आप, लेटस है, अनियन है, खीरा है, कुकुम्बर है और मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने कल बनाया था तो वो बच गया था, तो मैंने उसी का यूज़ किया है कीमे के लिए, स्लाइडर बनाने के लिए। और चीज़ है, बटर है, बस। ये देखें ब्रेड तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का ब्रेड लें, इसी साइज़ का लें, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, मतलब इनफैक्ट आप नॉर्मल ब्रेड से भी बना सकते हैं। ये देखें लेटस है, अनियन है, खीरा है, कुकुम्बर है और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा है, ये चीज़ है। और इसके लिए मुझे धनिया की चटनी और ये बटर। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में भी और बनाने में भी। अब ये देखें आप जब ब्रेड्स को निकाल लें उसके बाद फिर इसको इस तरह से काटें, कोई भी आप ब्रेड लें, वो चाहे बन स्टाइल हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्लेन ब्रेड हो आपके पास, तो वो सारा कुछ इस तरह से आप काट लें। अगर प्लेन है तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आप बटर को एक लेयर में बटर स्प्रेड करें इस तरह से। ये देखें बटर आप स्प्रेड कर लें एक लेयर में, एक ब्रेड पर बटर और दूसरे ब्रेड पर ग्रीन चटनी। इस तरह से आप सारे ब्रेड तैयार कर लें, अच्छी लेयरिंग लगाइएगा बटर की। बटर का बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है। और ये देखें ये इस तरह से मैंने सारे ब्रेड को काट लिए हैं और अब सब पे मैं इसी तरह से बटर की कोटिंग करूंगी, पूरा आप जो है बटर से अच्छा सा इसे लगा लें और सारे ब्रेड को रेडी कर लें। और दूसरा जो वन साइडेड पे आप बटर लगाएंगे, वन साइडेड पे आप चटनी लगाएंगे। ये देखें अब मैं इस पे कीमा स्प्रेड करूँगी। ये देखें इस तरह आप कीमे को अच्छे तरह से फैला लें। और अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप कुछ भी इस पे ऐड कर सकते हैं, फिलिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आलू डाल दें या फिर वेजेस डाल दें या फिर चिकन डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इससे बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप कीमा ही ऐड करें, मेरे पास था कीमा तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आपके पास अगर जो भी अवेलेबल हो, आलू है या फिर वेजेज है या एग है, तो आप उसका जो है स्लाइडर तैयार कर लें। ये देखें इस तरह मैंने स्प्रेड किया है और सभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को यूज़ करें। और ये मैंने वन साइडेड ग्रीन चटनी लगा ली है। इस तरह से आप सारे ब्रेड्स पे वन साइडेड ग्रीन चटनी लगा लें। अब इस पे जो मैंने लीव्स लिया है वो लेटस का है, अगर आपके पास लेटस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत लगाएं। और बाकी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, खीरा और प्याज, अनियन और बाकी सब वही सारी चीज़ें जो सबके घर में अवेलेबल हैं। ये देखें मेरे पास थी इसलिए मैंने लगा लिया, लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर दें। ये देखें अब मैंने सारे पर लेटस लगा लिया। अब इसी तरह आप सारे पर अनियन लगा लें, कुकुम्बर लगा लें। आजकल लेफ्ट ओवर रेसिपीज सब बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट पर लगा दिया है, 5 मिनट्स प्री हीट इनफ है ओवन के लिए। अब 5 मिनट प्री हीट पर लगा दें आप भी, और उसके बाद इसे स्लाइडर को आप ओवन में थोड़ी देर बेक करेंगे।
इसके अंदर जो चीज़ है वो अच्छा सा मेल्ट हो जाए, बस इतना ही बेक करना है हमें। अब बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका स्लाइडर जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर आप नेक्स्ट जो आपने चटनी की है, ब्रेड बनाया है, आप उसे लगा दें। अभी आप चीज़ भी इस पर डालें, इसके बाद इसे दूसरा वाला साइड आप कवर कर दें। किचन थोड़ा मैसी है, इग्नोर करें। ये देखें इस तरह आप चीज़ लगा दें, और इस तरह आप चीज़ लगा दें, और इसको जो है दूसरा साइड भी आप ले, जिस पर आपने चटनी लगाई हुई थी उससे आप कवर कर दें। ये देखें ये हो गया, अब इसको आप कवर कर दें। और यह ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ओवन में, ये आपके अच्छे से बेक हो जाएंगे। बेक मींस ये अच्छा सा बस चीज़ मेल्ट हो जाएगा बस, बाकी तो हम जब ऊपर चीज़ डालेंगे तो वो अलग से हम रखेंगे ओवन में। ये देखें कितना अभी से अच्छा लग रहा है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें आप प्री हीट ओवन को आप इसमें रख दें सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, आपका चीज़, ये देखें मेरा चीज़ अब मेल्ट 5 मिनट में हो जाएगा। फिर इसे हम निकाल लेंगे, ये देखें। यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। और अच्छा लगे तो ज़रूर फैमिली फ्रेंड्स सबसे शेयर करें। ये देखें मेरा स्लाइडर हो गया, अब इसे मैं जो है प्लेट्स में निकाल लूँगी सारा। फिर इसके अपर लेयर पे हम चीज़ लगाएंगे, फिर इसे 2 मिनट्स के लिए ओवन में डालेंगे। सिर्फ 2 मिनट्स में ये चीज़ मेल्ट होगा तो ये हमारा स्लाइडर रेडी हो जाएगा। मैं आपको अफ्तार में रोज़े की हालत में हूँ, खा के नहीं दिखा सकती, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती और तोड़ के भी नहीं दिखा सकती कि इतना गर्म है ये कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह जब मैं आफ्टर रमज़ान मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी और टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। ये वाकई में बहुत अच्छा बना था, मैंने अफ्तार में जब खाया तो मुझे लगा वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे जो रेसिपीज़ अच्छी होती वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी। अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें, और आपको अगर कोई भी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप बताया करें, और अगर आपको कोई रेसिपीज़ की आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।